किस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप एक्सपीरियंस लेटर बनवा रहे हो, रिलीविंग लेटर, ऑफर लेटर या सैलरी स्लिप, आप कुछ भी बनवा रहे हो, तो आपके पास क्या क्या प्रूफ होने चाहिए और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या आपको, या आप जहाँ से बनवा रहे हो वहाँ से क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तो आज बात करते हैं इसी के बारे में। तो मेरे दोस्त, मैंने और भी वीडियोस में बताया कि आप इंस्टीट्यूट से कैसे कॉन्टैक्ट करोगे, आप उनको कैसे अप्रोच करोगे। अब बात आ जाती है बनवाने की या पैसे की। तो क्या करना है, डेफिनेटली सी बात है, अगर आप बनवाओगे तो पैसे वो पहले लेते हैं, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूट है, वो आपसे पैसे पहले लेगा और उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट सेंड करेगा। तो अगर आप कहीं से भी बनवा रहे हो, जितना भी वो चार्ज ले रहे हैं, नॉर्मली 10, 12, 15 या जितना भी ले रहे हैं, तो आपको उन पर ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। पहली बात तो ये, आप उनसे बात करो, बात करने के तरीके से पता चल जाता है वो प्रोवाइड कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अब जब वो एग्री हो जाते हैं, आपने पेमेंट कर दिया, तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेने हैं। और हाँ मेरे दोस्त, वो आपको PF स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट, दो चीज़ें नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको सैलरी नहीं दी है या उनके एंड से PF डिडक्शन हुआ नहीं है। तो आपको लेना क्या है, ऑफ़र लेटर लेना है ऑन मेल। अगर वो बोल रहे हैं कि यहाँ के हार्ड कॉपी ले लो, तो उसे इग्नोर कर देना, आप ऑन मेल ऑफ़र लेटर लो, रिलीविंग लेटर लो, एक्सपीरियंस लेटर लो, ज्वाइनिंग लेटर लो। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए ऑन मेल। अब बात आ जाती है रेजिग्नेशन की। आपको करना क्या है, जैसे आपको कल सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप उनको एक आज मेल डालो, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन कर रहा हूँ, ऐसे एक उनको मेल सेंड करो और उनसे बोलो कि इस पे रिप्लाई करो। रिप्लाई करेंगे वो, उनको उस पे मेंशन करना होगा योर रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, इस तरीके से उनसे रिप्लाई लो। तो ये आपका एक प्रूफ होता है कि आपने रेजिग्नेशन भेजा और वहाँ से रिप्लाई आया। अब इसमें बात आती है कि ऑन स्पॉट कैसे हो गया, या ऑन स्पॉट कैसे मिल गया विदाउट सर्विंग नोटिस पीरियड। तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपको उसमें नीचे कुछ ऐसा मेंशन करना पड़ेगा, ड्यू टू मेडिकल इशू, ड्यू टू समथिंग अर्जेंट इशू। तो इस तरीके से उनको मेल करो, एकदम बिल्कुल रिक्वेस्टेड हो कि एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे प्लीज़ कल रिलीज़ कर दो। तो इस तरीके से जब वो मेल पर रिप्लाई करने कल, तो एक दिन बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले लो ऑन मेल। जब आप डॉक्यूमेंट्स ले लोगे सारे, तो इसके बाद में आपको वो हो जाता है प्रूफ। अब इस बात आती है कि जो स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स कैसे मिले होंगे या कैसे करोगे, तो उस टाइम उनको बताना कि एक वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन था, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे हार्ड कॉपी में मिले हुए थे, और जो आपको ऑफर लेटर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं उस पर जब से आप बनवा रहे हो वो डेट मेंशन करवाना ऑफ़र लेटर और ज्वाइनिंग लेटर पे। तो उनको बताना कि उस टाइम कुछ मेल वगैरह मेरे पास आया नहीं था, या छोटी सी वो कंपनी थी, इस वजह से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई, बट अब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट ऑन मेल हैं। और ऐसा होता है, लोग करते भी हैं, वो कहते हैं ना कि झूठ अगर धर्म के लिए बोला जाए तो भी धर्म होता है। अपने करियर के लिए कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, तो मेरे दोस्त इतना कुछ ज़्यादा वो है नहीं, बट ये है कि थोड़ा सा केयरफुली करो और उनसे बात करो। बट ये है कि वो अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, एक्सपीरियंस लेटर, ऑफ़र लेटर सारी चीज़ें देंगे, थोड़ा रिस्क वो अपने बेस पे लेंगे, तो डेफिनेटली सी बात है वो चार्ज लेते हैं 7-8-10-12-15 हज़ार तक। मैंने यहाँ पे कई लोगों की इस तरीके से हेल्प करी है, हालांकि मैंने इन सब चीज़ों में, मतलब कभी ये नहीं कि मैंने बना दिया हो या मैंने उनका फॉर्मेट देखा हो, मैंने मेरे पास एक दो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे मैंने एक दो लोगों की हेल्प करी और उन लोगों ने बनवाए हैं और उन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं। तो इस तरीके का है, आप अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, आप दिल्ली NCR में भी देख सकते हो, गुड़गांव, दिल्ली, आप कहीं भी हो, हैदराबाद, तो वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप किसी भी लोकेशन से बनवा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप चाहे हैदराबाद रह रहे हो, आप दिल्ली से बनवाओ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऑन मेल होंगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप कहीं रह के किसी भी लोकेशन का बनवा सकते हो, नो डाउट। दोस्तों, इस तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे पिंग कर सकते हो। अगर वो लोग एग्री होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूं। बट हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि उसमें मेरा इंटरफेस कुछ नहीं है, मैं आपको जस्ट एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा दूंगा उस इंस्टीट्यूट का, आप उनसे बात करना, आप उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करना। बट ये मैं ज़रूर गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ, अगर आप पैसे दोगे तो डॉक्यूमेंट्स बना के देंगे, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। बट उसके बीच में इंटरफेयर मैं नहीं करूँगा, आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा या आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे दूँगा, तो वो आपको कॉल कर लेंगे। तो बस इतनी हेल्प मैं कर सकता हूँ आपकी इस बेस पर।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।